कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? कोई भी तो नहीं है। एसीबी सर का मूड कैसा है? बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ? कोई जरूरी बात करनी है? हाँ, मुझे ना थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है। 20 तारीख को छुट्टी चाहिए। छुट्टी? हाँ। एसीबी सर से गलती से भी छुट्टी की बात मत करना, वरना सारा गुस्सा तेरे पर उतर जाएगा। अच्छा ठीक है, एसीबी सर को रहने देते, अभिजीत सर से मांग लो। बाप रे, अभिजीत सर से सपने में भी छुट्टी की बात मत करना। क्यों? छुट्टी लेने वालों से सख्त नफरत करते हैं वो। तुमसे पहले भी कोई छुट्टी मांगने गया था, उन्होंने उसकी हमेशा अगले छुट्टी कर दी। लेकिन तुम मत घबराओ, मैं हूँ। क्या बात है, काम धाम नहीं है क्या? खुसर पसर चल रही है? कुछ नहीं सर, मुझे छुट्टी उट्टी कुछ भी नहीं चाहिए सर, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक हूँ सर। छुट्टी? किसे चाहिए छुट्टी? सर पंकज को छुट्टी चाहिए सर। नहीं सर, ये निखिल मुझे फंसा रहा है सर, मुझे छुट्टी उट्टी नहीं चाहिए सर, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक हूँ सर। तुम्हें छुट्टी चाहिए? किस बात के लिए छुट्टी चाहिए? सर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मेरी दीदी और जीजू ना गृह प्रवेश कर रहे हैं, आप लोग प्लीज जरूर आइएगा 20th को। ठीक है, हम लोग चले जाएंगे। और तुम्हें तो छुट्टी चाहिए नहीं, तो एक काम करो, हमारे हिस्से का काम भी तुम ही कर लेना, ठीक है? सर प्लीज छुट्टी दे दीजिए ना सर। अभी अभी तो कह रहे थे कि तुम्हें छुट्टी नहीं चाहिए, अब छुट्टी चाहिए? क्या करें, छुट्टी दे दे इसे। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच सर। सर मैं ना अपनी छुट्टी का पूरा, प्लीज मेरी सहेली को ढूंढ लीजिए, वो अचानक लापता हो गई है। एक मिनट, आइए आप बैठिए। निखिल पानी लेकर आओ। सर मेरी सहेली जो कल से ना वो मेरा फोन उठा रही है। एक मिनट, शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए। और ना मेरे SMS का जवाब दे रही है, उसके घर गई थी तो दरवाजा भी बंद था। आप तो जानते ही हैं आजकल कैसे कैसे जुल्म हो रहे लड़कियों पर। आप घबराइए मत, हम आपकी सहेली को जरूर ढूंढेंगे। आपने उसके ऑफिस में पता किया? उसको मेरा ऑफिस एक ही है, आज वो काम पर भी नहीं आई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई आदमी किसी जरूरी काम से शहर छोड़कर बाहर चला जाता है, तो ऐसे ही अचानक जो ही कहीं गई होगी। अगर ऐसा होता है तो वो मुझे जरूर बता के जाती। अच्छा, जूही कहाँ रहती है, उसका एड्रेस है तुम्हारे पास? यस सर। दरवाजा खुला? मगर सर ऋचा ने तो बताया था कि जूही के घर का दरवाजा बाहर से बंद था। मैं भी वही सोच रहा हूँ। सर जूही की गाड़ी भी बाहर नहीं खड़ी है, सर्गेंद्र कोई और तो नहीं है? हो सकता है, अंदर चल के देखते हैं, चौकन्ने रहना। सर किसी के चलने की आवाज आई। आवाज सुनाई तो दी, शायद आवाज इस कमरे से आई है। सर आवाज यहां से आ रही है। कौन अंदर, बाहर निकलो। कौन ठोक रहा है दरवाजा? चुपचाप बाहर निकलो, नहीं तो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। तोड़ना मत, मैं खोलता हूँ। हमने कुछ नहीं किया है। आप लोग कौन है? हम लोग जूही के रिश्तेदार हैं, उससे मिलने आए थे, वो घर पे मिली नहीं, इसी बीच आप लोग आ गए तो हम लोग बाथरूम में छिप गए थे। देखिए घबराइए मत, हम लोग CID से, आराम से। अच्छा आप लोग CID से हैं? जी हाँ। हम लोग जूही के बारे में बहुत चिंतित हैं, फोन लगा रहा हूँ तो फोन नहीं लगता, ऑफिस में भी नहीं है। आप लोगों को कुछ खबर मिली उसकी? नहीं, हम लोग भी उसे ढूंढ रहे हैं। आप लोगों ने इस घर का दरवाजा डुप्लीकेट चाबी से खोला? जी हाँ। जूही के माता पिता कहाँ हैं? वो तो सिंगापुर में हैं, उसकी जिम्मेदारी हम पर सौंप गए थे, हम क्या जवाब देंगे उन्हें? हम बहुत जल्द जूही को ढूंढ निकालेंगे, घबराइए मत। विनीत निखिल घर की तलाशी लो, देखो कुछ मिलता है क्या। यस सर। ये जूही, इसका किसी के साथ कोई झगड़ा, किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वैसे
बहुत प्यारी बच्ची है वो। अच्छा जूही, इससे पहले इस तरह से बिना बताए घर छोड़ के कहीं गई थी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतें वो कभी करती ही नहीं। अभिनीत, ये देखिए सर, होटल आनंद विहार के बिल्स जूही के नाम पर। होटल आनंद विहार, इसी शहर में जूही का घर है, फिर ये होटल में ठहरने की क्या जरूरत पड़ी? हो सकता है किसी ऑफिस के काम से रुकी हो, कोई कॉन्फ्रेंस या कोई मीटिंग। दाल में कुछ काला जरूर है। जूही के ऑफिस और इस होटल आनंद विहार में चल के पता करते हैं। हाँ, मैं खुद तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है जी, कहिए किससे मिलना आपको? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? किसी का खून हो गया क्या? जब तक लाश नहीं मिल जाती हमें कहना मुश्किल है कि खून हुआ या नहीं। किसकी लाश ढूंढ रहे हैं आप लोग? लाश नहीं, फिलहाल हमें एक जीती जागती लड़की की तलाश है जो आप ही के ऑफिस में काम करती है। जूही नाम है उसका। जूही? क्या हुआ उसे? आज तो वो ऑफिस भी नहीं आई। वो लापता है। क्या आपको कुछ मालूम है कि कहाँ गई होगी वो? नहीं सर, उसने कुछ बताया नहीं। अच्छा, जूही ऑफिस आई नहीं तो आपने पता करने की कोशिश नहीं की कि क्या हुआ उसे? दरअसल सर, वो पिछले कुछ महीनों से महीने में 2-3 छुट्टी ले ही लेती थी। आज भी वो नहीं आई, इसलिए मुझे लगा फिर से उसने अनऑफिशियल छुट्टी ले ली होगी। आपको कुछ अंदाजा है कि उसने छुट्टियां लेना क्यों शुरू कर दिया? पता नहीं, उसने कुछ बताया नहीं सर। कोई खास बात जो आपको लगता है कि हमें बताना जरूरी है? खास बात सर, दरअसल मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मेरी ऑफिस से 50 लाख रुपए चोरी हो गए। 50 लाख रुपए? जी। कहाँ रखे थे आपने पैसे? मेरे कैबिन के लॉकर में। कहाँ है आपका कैबिन? आइए सर। अरे, एक हफ्ते पहले मैंने खुद अपने नाम से यहाँ पे कमरा बुक करवाया और आप कह रहे हैं कि कमरा है ही नहीं मेरे नाम पे? सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके नाम से हमारे कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। तब समझ रहा हूँ मैं, समझी? अपने रिकॉर्ड अच्छे से चेक करो और मेरा नाम चेक करो, जरूर बुकिंग होगी। सर, रिजर्वेशन की बुकिंग आपने किससे कराई थी, कुछ याद है आपको? अब इनके नाम भी याद रखो। आरती, आरती नाम था उसका। सर, आरती तो आज छुट्टी पर है। अरे, वो छुट्टी पे है तो तुम भी छुट्टी पे चली जाओ और मुझे भी छुट्टी पे भेज दो। देखो, कुछ भी करो, मेरे नाम का कमरा मुझे यहाँ पे चाहिए बस। देखिए, अभी तो कोई कमरा खाली नहीं है, आपको शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। शाम तक ना तुम्हारा ये होटल यहाँ पे नहीं रहेगा, समझी? जानती नहीं हो कौन मैं? मेरी पहुंच बहुत नीचे तक है, नीचे तक। Excuse me? प्लीज, अब आप मत बोलिएगा कि आपने भी रिजर्वेशन कराया था। मैं आपको अभी बता दूं कि हमारे होटल में सारे रूम्स ऑलरेडी बुक्ड हैं। नहीं, आपको गलत फहमी हुई, हमें कोई कमरा उमरा नहीं चाहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? सॉरी, गलती हो गई। इस लड़की को पहचानती हैं? यहाँ पे आई थी ये? हाँ, ये तो हमारी रेगुलर कस्टमर है, कई बार आई है यहाँ पे। कई बार आई है? आखिरी बार कब आई थी यहाँ पे? आखिरी बार 29 मार्च को। 29 तारीख को आई थी। अकेली आई थी या इसके साथ में कोई और भी था? आई तो अकेली थी, पर कोई उनसे मिलने आया था। कौन कौन आया था? गेस्ट का नाम मैं अभी आपको नहीं बता सकती, हमारा सिस्टम डाउन है। ठीक है, आप ये मेरा कार्ड रख लीजिए, जैसे ही आपको पता चले मुझे फौरन फोन कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू। आइए सर, ये है वो लॉकर। ये तो इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी है, ये चाबी से नहीं पासवर्ड से खुलता है। जी हाँ सर, मैंने भी यही सोचा था कि ये सबसे अच्छा सेफ रहेगा, लेकिन देखिए ना, चोर इसमें भी सेंध मार गया। तो आपका पासवर्ड आपके अलावा कोई और भी जानता था? नहीं, मेरे अलावा किसी को नहीं पता। आपके अकाउंटेंट को भी पता नहीं था? नहीं सर, अकाउंटेंट छोड़िए, मेरे परिवार वालों को भी इसके पासवर्ड के बारे में नहीं मालूम। तिजोरी के साथ कोई छेड़छाड़ या तोड़ने की कोशिश नहीं की गई है, मतलब चोर ने पासवर्ड के साथ ये तिजोरी खोला है। सर, हो सकता है चोर ने कई बार तुक्का मारा और सही बैठ गया हो। नहीं सर, मेरा पासवर्ड इतना मुश्किल है कि तुक्के से ये खुल ही नहीं सकता। अच्छा, आपका ये सीसीटीवी कैमरा चल रहा है? ये कैमरा यहाँ कहाँ से आया सर? कहाँ से है मतलब? ये कैमरा आपने नहीं लगवाया? नहीं सर, ये कैमरा मैंने नहीं लगवाया। आपके कैबिन में कोई कैमरा लगा के जाता और आपको पता नहीं चला? सर, मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ कि मेरी अब तक इस पर नजर क्यों नहीं पड़ी, और पता नहीं कितने दिनों से ये कैमरा लगा होगा यहाँ। सर, ये कैमरा जरूर चोर ने लगवाया होगा,
देखिए ना सर, ऐसी जगह लगाया हुआ है जहाँ से तिजोरी साफ दिखाई दे, और अगर कोई इसमें पासवर्ड डाले तो वो भी साफ दिख जाए। इस कैबिन के अंदर कैमरा लगाने का काम किसी अंदर वाले का ही है। विनीत, कैबिन की तलाशी लो। देखिए सर, ये ट्रांसमीटर शायद सर ये इसी कैमरे का है। काफी हाई फ्रीक्वेंसी वाला है ये ट्रांसमीटर, मतलब वो कोई दूर बैठ के इस कैमरे के जरिए यहाँ का नजारा देख रहा है। ये काम करो विनीत, इस कैमरे को निकालो। जिस दुकान से ये कैमरा खरीदा गया है वहीं से उस खरीदार के बारे में पता चलेगा। आइए सर, आइए, बोलिए क्या चाहिए। कुछ नहीं। कुछ नहीं तो क्या सिर्फ आप देखने के लिए आए सर? देखने नहीं, कुछ दिखाने आए। कैमरा आप ही की दुकान से खरीदा गया था ना? अरे हाँ, आपने खरीदा था। क्या हुआ, कैमरा काम नहीं कर रहा क्या? अच्छा अच्छा, इसीलिए आए हैं आप। अरे भाई साहब, थोड़ा लगाम लगाइए। सवाल भी खुद पूछे जा रहे हैं, जवाब भी खुद दिए जा रहे हैं। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी सर, हमसे कुछ गड़बड़ हुई है क्या? अगर गड़बड़ नहीं होती तो हम लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? जरा ये बताइए कि ये कैमरा किसने खरीदा था और कब? सर एक मिनट सर, प्लीज। सर ये कैमरा किसी अंकुश सागर ने 25 फरवरी को खरीदा था। पैसे नकद में दिए थे इस अंकुश सागर ने या फिर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया था? सर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया था। डेबिट कार्ड? ट्रांजैक्शन स्लिप तो होगी ना आपके पास? हाँ सर। जरा दीजिए प्लीज। इस बैंक से पता चलेगा कि अंकुश सागर रहता कहाँ है। अंकुश है कौन है? अंकुश जूही के ऑफिस वाले इसके बारे में कुछ नहीं जानते ना। उसकी सबसे अच्छी सहेली रिचा ये भी उसके बारे में नहीं जानती। पंकज, ये बैंक से कुछ पता चला अंकुश के बारे में? सर निखिल गया पता करने के लिए, वो आता ही होगा। सर मुझे लगता है ये अंकुश जूही का कोई खास फ्रेंड है, और ये 50 लाख रुपए की चोरी की प्लानिंग दोनों ने साथ में मिलकर की है। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। ओ है रजिस्टर में नाम? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सर होटल आनंद विहार से फोन था जिसके बिल मिले थे जूही के घर से। तो क्या पता चला? सर ये जूही जब भी उस होटल में रुकती थी ये अंकुश उससे मिलने जाता था वहां पे। ओ अच्छा। सर सर बैंक से अंकुश के घर का एड्रेस मिल गया है सर। सर उसका घर सुस्वागतम नगर में है। सुस्वागतम नगर? सुस्वागतम नगर, तो फिर इस अंकुश से जाकर मिलना पड़ेगा सुस्वागतम नगर में। सुस्वागतम नगर कौन हो सकता है? कहीं जूही तो नहीं? आप लोग कौन? दोस्त है तुम्हारे, तुम्हारा जन्मदिन मनाने आए। देखिए मेरा जन्मदिन तो हो चुका है फिर, और फिर कौन दोस्त तो कैसे दोस्त? हाँ मैं तो आप लोगों को जानता तक नहीं हूँ। आपके नए दोस्त का नाम सीआईडी है, मैं इंस्पेक्टर दया, ये इंस्पेक्टर विनीत। कहिए क्या बात है सर? वो पैसे कहाँ हैं जो तुमने दीपक के कैबिन से चुराए? किस पैसे की बात कर रहे हैं आप लोग? मैंने दीपक की केबिन से कोई पैसे नहीं चुराए। अच्छा विनीत, करके तलाशी लो। तलाशी? अरे अरे अब देखिए देखिए तलाशी ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ देखिए ये गलत बात है, आप इस तरह किसी शरीफ नागरिक को परेशान नहीं कर सकते। अगर आप इतने ही शरीफ नागरिक है तो आपने ये कैमरा क्यों खरीदा? हाँ ये कैमरा तो मैंने ही खरीदा था, लेकिन ये आपको कहां से मिला? दीपक के तिजोरी के पास लगा था ये। ये वहां कैसे पहुंचा? अब वो तो आप ही बताएंगे। मैं कैसे बताऊंगा? सर हर जगह देख लिया, पैसे कहीं भी नहीं मिले। देखा पैसे नहीं मिले ना? अरे मैंने तो पहले ही कहा था। हा? आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। देख सच सच बता पैसे कहाँ हैं, वरना जितने प्यार से सवाल पूछ रहा हूँ अभी आगे इतनी शराफत की उम्मीद मत करना मुझसे। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं और चूही एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे घर वालों को
ये रिश्ता मंजूर नहीं था। इसलिए तुम दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना बहुत सारे पैसे चुराए जाएं और उस बेईमानी के दौलत से नई जिंदगी शुरू करते हैं। हाँ, यही प्लान था। लगता है कि जूही की नीयत पलट गई, वो पैसे चुरा कर मेरे पास आने की बजाय फरार हो गई। कहाँ मिलने वाले थे जूही से? नागपुर के होटल ब्लैक माउंटेन में, पर ना तो वो वहां पहुंची और ना ही उसका फोन लग रहा है। इसका मतलब या तो 50 लाख रुपए के चकाचौंध के आगे जूही का प्यार फीका पड़ गया, या फिर किसी और ने इन पैसों के लिए जूही को किडनैप कर लिया और अब उसकी जान खतरे में। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। हाँ निखिल, क्या जूही की गाड़ी मिल गई? कहाँ है? जी कहिए, आपको गाड़ी बेचनी है या खरीदनी? ना ही हमें कार बेचनी है और ना ही खरीदनी। हम सीआईडी से। सीआईडी? क्या बात है? इस फोटो को देखिए, इस लड़की की तलाश है हमें। क्या ये लड़की आपके पास आई थी? हाँ, अपनी गाड़ी बेचने आई थी यहाँ। गाड़ी बेचने? हाँ, उसने हमें अपनी गाड़ी दी और बदले में मुझसे 10,000 रुपए नकद और एक पुरानी गाड़ी लेकर चली गई। बड़ी समझदार है ये जूही। जैसे उसे लगा कि हम गाड़ी के जरिए उस तक पहुंच जाएंगे तो उसने गाड़ी बदल दिया। ये जूही की गाड़ी देख सकते हैं आप? हाँ, ये नहीं। चलो चेक करते। लेकिन आपको गाड़ी में कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि गाड़ी देने से पहले उसने सारा सामान निकाल लिया था। अच्छा, आप हमें उस गाड़ी का नंबर दे सकते हैं जो आपने जूही को बेची? जी। हेलो, क्या जूही की गाड़ी अब तक टोल नाके से नहीं गुजरी? तुम नजर रखना, जैसे ही उसकी गाड़ी दिखाई दे हमें तुरंत इन्फॉर्म करो। पता नहीं विनीत, ऐसा क्यों लग रहा है कि जूही किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है? मगर सर, जूही तो खुद पैसे लेके फरार है, अपनी गाड़ी भी बदल दी ताकि हम उस तक ना पहुंच सके। मगर यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसा कर क्यों रही है। कोई वजह तो जरूर है। हेलो, क्या जूही की गाड़ी का पता चल गया? कहाँ पर? ओके थैंक्स। जूही की गाड़ी का पता चल गया, पप्पू मोटर मैकेनिक के गैराज में। लगता है जूही की दूसरी गाड़ी ने बहुत जल्दी जवाब दे दिया। ये अच्छा वक्त है उस तक पहुंचने का। ये पप्पू का गैरेज कहाँ बताया उसने? साहब, ये पप्पू मैकेनिक कहाँ है? अरे भाई साहब, पप्पू मैकेनिक तुम ही हो क्या? जी साहब, इस इलाके का सबसे बढ़िया मैकेनिक। साहब, आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है क्या? सीआईडी की गाड़ी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती पप्पू। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। इस फोटो को ध्यान से देखो, क्या कुछ समय पहले ये लड़की तुम्हारे पास आई थी यहाँ पे गैराज में गाड़ी ठीक करवाने? साहब, ये लड़की तो कल रात को आई थी 11 बजे। कल रात को 11 बजे? हाँ साहब, मैं गैरेज बंद करके जा ही रहा था तब तक ये मेम साहब आ गई मुझसे मदद मांगने के लिए। बोली कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मुझे बाहर गांव जाना है। फिर साहब मैंने गाड़ी चेक किया तो गाड़ी में बहुत काम था, तो मैंने बोला आप आसपास किसी होटल में रुक जाओ, कल सुबह आके गाड़ी ले जाना। और उसने तुम्हारी बात मान ली? साहब, और कोई चारा भी तो नहीं था उसके पास। साहब बाहर गांव जाना था, गाड़ी खराब थी और कोई साधन भी नहीं था। तो साहब, लेकिन ताजुब की बात है, अभी तक गाड़ी लेने नहीं आई वो। उसकी गाड़ी कहाँ पर? ये रही साहब। ये उसकी गाड़ी? जी साहब। विनीत, गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। गाड़ी एकदम साफ है, कोई सबूत कोई सुराग कुछ नहीं छोड़ा उसने। अच्छा एक बात बताओ, उसने तुम्हें बताया कि वो कहाँ जाने वाली है? ऐसा कुछ नहीं बताया साहब उसने। अच्छा, ये अकेली थी या फिर उसके साथ भी कोई था? साहब अकेली थी, कोई नहीं था उसके साथ।
अच्छा, वो जितनी देर यहाँ थी तुमने उसे फोन पे किससे बात करते हुए सुना? नहीं साहब, फोन पे तो किसी से नहीं बात कर रही थी वो। क्या पप्पू, हर बात पे नहीं नहीं नहीं। हाँ अच्छा, ये तो पता होगा कि वो कौन से होटल में ठहरी है। साहब आसपास ज्यादा होटल नहीं है, उन्हीं में से किसी एक में होगी, आप पता कर सकते हैं साहब। ठीक है, आसपास के सारे होटल चेक करते हैं। भाई साहब, मैं सीआईडी से हूँ, आपकी थोड़ी मदद चाहिए थी। कहिए, आप किसी की तलाश कर रहे हैं? इस फोटो को ध्यान से देखिए। जूही? नहीं सर। पूरा यकीन है आपको? ध्यान से देखिए। थैंक यू। ओके थैंक्स। भाई साहब, आप इस होटल के मैनेजर? जी हाँ सर। भाई साहब, इस फोटो को ध्यान से देखो, इस लड़की को देखा है? नहीं सर, ये लड़की तो यहाँ नहीं आई। सर ये लड़की तो हमें होटल में नहीं है, पर बात क्या है? मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन हूँ। सीआईडी? ये लड़की लापता है, हमें इसकी तलाश है। अगर इसके बारे में कुछ भी पता चले तो तुरंत सीआईडी को इन्फॉर्म करना। ओके जरूर सर। पक्का सर। ठीक है। हेलो सर, वेलकम टू आर रिसॉर्ट। आपका सामान क्या नहीं दिख रहा है? शायद गाड़ी में। नहीं नहीं, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन हूँ। सीआईडी? जी कहिए आप। देखिए माफ कीजिएगा, ये फोटो ध्यान से देखिए, इस लड़की का नाम जूही है, हमें इसकी तलाश है। ये यहाँ आई थी, आपने देखा इसे? नहीं सर, ये हमारे होटल में रहने नहीं है। Are you sure? Yes sir। अगर आपको ये कहीं भी दिखाई दे या इसके बारे में कुछ भी पता चले तुरंत सीआईडी को इन्फॉर्म कीजिए। जरूर सर। सर ओके। क्या विनीत, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला सर, इस तरफ भी किसी को कुछ नहीं पता। सर अब सिर्फ एक ही होटल बचा, होटल ब्लैक माउंटेन। होटल ब्लैक माउंटेन। एसीपी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। हेलो। हाँ सर। सर हमने सारे होटल छान मारे, कहीं कुछ पता नहीं चला, सिर्फ एक ही होटल बाकी है सर, होटल ब्लैक माउंटेन। कहिए सर। इस लड़की को देखिए, क्या ये लड़की आपके होटल में ठहरी थी? नहीं सर। सिर्फ मुंडी मत हिलाना, इस फोटो को गौर से देखो, ठीक से देखो और बताओ, क्या ये लड़की यहाँ इस होटल में ठहरी हुई थी पहले? सर आप लोग जबरदस्ती गले पड़ रहे, मैंने कहा ना जूही यहाँ हमारे होटल में नहीं आई थी। उठाओ इसे। एक मिनट सर, मैंने क्या किया? मैंने कब कहा कि इस लड़की का नाम जूही है? सर अभी आप ही ने तो कहा था सर कि इस लड़की का नाम जूही है और ये यहाँ ठहरी थी कि नहीं। जी बिल्कुल नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि इस लड़की का नाम जूही है? सर मैं अपने मन से तो अभी अभी सर ने कहा। चुप, रजिस्टर बता। वन सेकंड सर। ये देखो, क्या ये 30 तारीख को रात को जो यहाँ आई थी, ठहरी थी, नाम है यहाँ पर इसका। क्या ये? देखो इधर। सर ये वो क्या? वो सर ये वो क्या? झूठ क्यों बोला तुमने हमसे? सर ये झूठ नहीं बोलते। आप कौन होती है इन्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाली? हाँ सर, मैं सुप्रिया हूँ, इनकी पत्नी, और मैं इसी होटल के स्टाफ में काम करती हूँ। मैंने आप लोगों से कोई झूठ नहीं बोला, 30 तारीख के दिन मैं होटल में था ही नहीं, छुट्टी पे था सर। ये सही कह रहे हैं। अच्छा सही कह रहे हैं कि 30 तारीख को ये ड्यूटी पर नहीं थे। अगर ये 30 तारीख को ड्यूटी पर नहीं थे तो फिर आपके पति को जूही का नाम कैसे पता? क्योंकि सर वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। पहले भी यहाँ आ चुकी है? सर हमारे होटल की जो मालिक है उनकी ये दूर की रिश्तेदार है। कौन है तुम्हारे होटल का मालिक? मैं हूँ इस होटल का मालिक। आप लोग कौन है? हम लोग जूही के रिश्तेदार हैं। आप इस होटल के मालिक हैं? जी। जूही आपके रिश्तेदार है ना? 30 तारीख को वो यहाँ आपके होटल में ठहरी थी। नहीं नहीं नहीं, उसने हमें कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं। क्यों नहीं नहीं बताया हमें कुछ? हमें तो पता भी नहीं था। वो शायद रात को देर से आई होगी। हाँ। और हम लोग जल्दी सो जाते हैं और इसीलिए इन्होंने हमें ये पहले बताया नहीं है ना। क्यों नहीं बताया आप लोगों ने हमें पहले? ऐसा ऐसा कभी कोई जिक्र छिड़ा ही नहीं ना।
लेकिन ये थोड़ा अजीब है ना कि जूही आपके होटल में आके ठहरती है और आप लोगों को पता तक नहीं चलता। ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है। हाँ वैसे हम भी थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं अभी। वैसे आपकी जगह उस रात ड्यूटी पे कौन था? मोहन। बुलाओ उसे। वन सेकंड। हेलो, मोहन को रिसेप्शन पे भेजो जल्दी। हाँ आ रहा है सर। आपने बुलाया? तुम मोहन हो? जी सर। मोहन एक बात बताओ, क्या ये लड़की तुम्हारे होटल में ठहरी थी 30 तारीख को रात को? जी सर, 30 तारीख की रात को इस लड़की ने हमारे होटल में चेक इन किया। अगले दिन सुबह जब मैं इनके कमरे में गया तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, ये लड़की वहाँ है ही नहीं। अरे तो ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं डर गया था, मुझे लगा कि सब मुझे डांटेंगे क्योंकि मैंने इस गेस्ट की एंट्री करवाई थी और ये बिना पैसे दिए चली गई थी, इसलिए मैंने ये बात सबसे छुपा ली। इस लड़की का सामान कहाँ है? सामान उसी कमरे में है सर। चलो कमरा दिखाओ उसका। आई सर, ये है कमरा। जूही का बैग है, तो इसके अंदर का सामान कहाँ है? सर मैंने सारा सामान निकाल के कबर्ड में रख दिया। क्या, क्यों? मुझे लगा जूही जी आएंगी तो सामान ले जाएंगी। अच्छा, तो जब जूही वापस लौट आएगी तो उसे तुम सामान दे दोगे? हैं सचिन, जरा चेक करो। और ये किसने कहा तुम्हें सामान कबर्ड में रखने के लिए? किसने कहा? सर मैंने सोचा कि वो सर इस बैग में से निकाले हुए सामान में सिर्फ ये कपड़े और कुछ भी नहीं सर। यही था है? कमरा तो बहुत अच्छी तरह से साफ किया। आया ना सर। माय गॉड, इतने सारे पैसे जूही के? सर लगता है ये वही पैसे हैं जो जूही ऑफिस से चोरी करके भागी थी। क्यों, अब तो आप दोनों यही कहोगे ना कि तुम्हें पता ही नहीं था ये सब क्या हो रहा है तुम्हारे होटल में, है? क्यों? सर हम तो खुद हैरान हैं सर। हमने इन लोगों के कंधे पर होटल की जिम्मेदारी थोड़ी थी, पता नहीं ये कैसे होटल चलाते। और ये पैसे, ये जूही के पैसे, इसका क्या कहना है आपको? सर जूही चोरी कर ही नहीं सकती। जूही ने चोरी की है, ये पैसे लेकर वो अंकुश के साथ भागने वाली थी, लेकिन उसने इन पैसों के लिए अंकुश को भी धोखा दे दिया। नहीं सर, नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। जूही चोरी नहीं कर सकती सर, वो किसी को धोखा नहीं दे सकती, वो तो बहुत अच्छी सीधी बच्ची थी सर। हाँ सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उसे कुछ हो न गया हो। कृपया करके आप उसे ढूंढिए, पता नहीं वो किस हाल में होगी। अगर जूही को कुछ हुआ है ना, और जो भी आपके होटल में हो रहा है इसके पीछे आप ही के होटल के किसी आदमी का हाथ है, समझे? आप ही के होटल के आदमी का हाथ है। सर आपके पास कोई सबूत जो आप? सबूत चाहिए, सबूत चाहिए, मिलेगा। सचिन विनित, इस होटल का कोना कोना छान मारो, एक एक कमरे की तलाशी लो, एक एक कमरे की। सबूत चाहिए सर। होटल का एक कमरा छान मारा सर, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, कहीं कुछ भी नहीं मिला। तुझे जूही गई कहां, क्या हुआ है उसके साथ? सर कहीं जूही को? एक काम करो, 30 तारीख को इस होटल में जितने भी कस्टमर्स आए सबकी कुंडली निकालो, और इस होटल के आसपास का जो भी इलाका है अच्छी तरह से छान मारो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। विनीत एक काम कर, तुम इस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूं। यस सर। विनीत My God! ये तो जूही की लाश है।
बेचारी मिली भी तो किस हाल में। विनीत, हमने काफी देर कर दी है। लेकिन सर, ये जूही की लाश यहाँ इस तालाब के किनारे कैसे पहुंच गई? वो देखो विनीत, इसके पैरों पे वो रस्सी का निशान। इसका मतलब खूनी ने इसे रस्सी से बांध कर पत्थर के जरिए इस तालाब में डुबाया होगा, और जैसे ही रस्सी खुल गई पानी के ऊपर आ गई है और बहती हुई किनारे तक पहुंच गई। ये देखिए सर, कितनी बेरहमी से इसका गला काट कर इसकी जान ली है खूनी ने। विनीत, मुझे लगता है जूही का खून उस रणदीप ने किया होगा। वैसे भी वो आदमी मुझे टेढ़ा लग रहा था। कहा सर, ऐसा लग रहा था कि रणदीप हमसे कुछ छिपा रहा है। लेकिन अगर रणदीप ने इसका खून किया है तो अकेले तो किया नहीं होगा, उसके साथ और भी लोग शामिल होंगे। ये किसका नंबर है? हेलो, इंस्पेक्टर सचिन बोल रहा हूँ। आप कौन? नमित। हाँ नमित, बोलिए। क्या आपकी पत्नी प्रीति लापता हो गई? सर, आप लोग, सर कोई खबर मिली प्रीति की? नहीं सर। सर प्लीज सर, आप लोग मेरी पत्नी को ढूंढ निकालिए। पता नहीं सर वो कहाँ होगी, किस हालत में होगी। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, आप लोग प्लीज कुछ कीजिए सर। लेकिन अमित जी, आप हम पर भरोसा रखिए। अच्छा, आप ये बताइए कि प्रीति से आखिरी बार फोन पे बात कितने बजे हुई थी आपकी? कल करीब दोपहर के 12 बजे के आसपास। उसके बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया मगर उसका फोन लगा ही नहीं सर। आप हमें प्रीति का नंबर दीजिए। विनीत, मोबाइल कंपनी से पता करो कि इस वक्त प्रीति का मोबाइल कहाँ पर है। नंबर दीजिए। जी, 1833-1913-21। हेलो, मैं सीआईडी से विनीत बोल रहा हूँ। मैंने जो आपको अभी नंबर मैसेज किया उसकी लोकेशन ट्रेस करके बताइए जल्दी। ठीक है सर। प्रीति के मोबाइल की आखिरी लोकेशन होटल ब्लैक माउंटेन में ट्रेस हुई है सर। होटल ब्लैक माउंटेन में? जी सर। मुझे डर है कहीं इस प्रीति का भी वही हाल ना हो जाए जो जूही के साथ हुआ था। सर जूही? सर कौन जूही? सर क्या हुआ जूही के साथ? देखिए, हम प्रीति को ढूंढ निकालेंगे, घबराइए मत, किसी भी हाल में उसे वापस ले आएंगे। सर मगर वो, सर आप लोग, हमने कहा ना प्रीति को सही सलामत वापस ले आएंगे आपके। ठीक है, चलो वक्त आ गया प्लान शुरू करने का। जी कहिए। मुझे एक रूम बुक करना है। तो फिर आप एकदम सही जगह पे आई हैं। हमारा होटल ब्लैक माउंटेन इस एरिया का सबसे अच्छा होटल है। लीजिए, एंट्री कर दीजिए। फिर तो यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा होगा। अरे मैडम, एक बार आप खा के तो देखिए, उंगलियाँ चाटती रह जाएंगी। आप चाहे तो हमारे रेस्टोरेंट में नीचे खा सकती हैं या फिर अपने रूम में ऊपर मंगवा सकती हैं। नहीं, अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, कल खाऊंगी। ठीक है। वैसे एक बात का ख्याल रखना। क्या? रात को यहाँ अकेले बाहर मत निकलना। क्यों, आपकी होटल में आत्माएं मंडराती हैं? नहीं, वो इस इलाके में जुर्म आजकल बहुत बढ़ गया है, तो इसलिए आप रात को बाहर अकेले मत निकलना और अपने कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद करके सोना। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। वैसे फोन पर मेरी किसी रणदीप से बात हुई थी, वो तो कहीं दिख नहीं रहे। जी, वो मेरे पति हैं, इस होटल के मैनेजर। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं उनकी जगह रिसेप्शन पे हूँ। ओके, अभी मैं बहुत थक गई हूँ, कल सुबह बात करते हैं। ओके, गुड नाइट। मोहन, मैम को उनका कमरा दिखा दो और उनका सामान रख दो। आइए। थैंक यू। आइए मैम साहब, इस तरफ। आइए मैम साहब, इस तरफ। शुक्रिया मैम। आपको किसी भी वक्त किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेफिक्र रूम सर्विस पे फोन कीजिए। थैंक यू।
कुछ भनक लगी? नहीं सर, लेकिन रणदीप होटल में नहीं है। मुझे लगता है वो अपने अगले जुर्म की तैयारी करने घर गया है। अगला जुर्म? सर उसकी बीवी बड़ी सहमी हुई लग रही थी, मुझे कह रही थी कि रात में कमरे से बाहर ना निकलूं। इसका मतलब एक और खून होने वाला है आज की रात। एक काम करो, तुम होटल में नजर रखो, मैं तब तक उस रणदीप के घर जाके देखता हूँ। ब्रेसलेट? ये तो प्रीति का ब्रेसलेट है, लेकिन प्रीति रणदीप के पास क्यों आई थी? कहीं उसे भी तो कुछ नहीं हो गया? ये क्या है? स्टोर रूम लगता है। ये चीख किसकी थी? पता नहीं साहब, मैं भी ये चीख सुन के चौंक गया। श्रेया, श्रेया, श्रेया कौन? वो लड़की जो 102 नंबर में ठहरी हुई थी। वो उस कमरे में ही होंगी। साहब, साहब, साहब कहाँ जा रहे हैं? साहब सुनिए तो, साहब, साहब, साहब मेरी बात सुनिए साहब, साहब, साहब सुनिए तो साहब, साहब, साहब मेरी बात सुनिए साहब, साहब सुनिए मेरी बात साहब। बोलो, रूम खोलो। श्रेया, श्रेया। मुझे नहीं पता वो लड़की जो उस कमरे में ठहरी हुई थी कहाँ है। मुझे नहीं पता, मैं छुट्टी पे था। अगर तुम छुट्टी पे हो तो इस वक्त होटल में क्या कर रहे हैं? क्या बात है, यहाँ इतनी रात को हंगामा क्यों मचा रखा है? क्योंकि आपके होटल में जुर्म के बीज बोए जा रहे हैं और खून की फसलें काटी जा रही हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। पहले जूही, फिर प्रीति, और अब शायद एक और लड़की, और इन सब के पीछे इस रणदीप का हाथ है। देखिए, मेरे पति किसी का खून नहीं कर सकते। किसी का खून नहीं कर सकते? आपके आउट हाउस से होकर आ रहा हूं मैं, एक लाश देखी है मैंने वहां पर। लाश? लाश? ऐसा कैसे हो सकता है? आप झूठ कह रहे हैं। झूठ नहीं, सच है ये। चलो चलो। कहाँ लेके जा रहे हैं आपने? सीआईडी ब्यूरो की हवा खिलाने। मैंने ही मारा है जूही और प्रीति को। श्रेया कहाँ है? श्रेया मुझे नहीं पता कहाँ है। एक, ये नहीं जानता, कहने से काम नहीं चलेगा, समझे? क्या नफरत है तुम्हारे दिल में लड़कियों के खिलाफ, जो एक के बाद एक उन्हें मारे जा रहे? मैं आप लोगों को और कुछ नहीं बताना चाहता। आप
आप लोग एक काम कीजिए, मुझे फांसी पे लटका दीजिए बस। फांसी तो तुझे होगी, ये बता कि श्रेया कहाँ है। मैंने कहा ना, मैं नहीं जानता श्रेया कहाँ है। सर, पूरा होटल छान मार लिया, श्रेया कहीं भी नहीं मिली है। क्या किया तूने श्रेया के साथ? वही जो जूही और प्रीति के साथ किया, मार दिया उसे, मार दिया। मार दिया? लाश कहाँ है? झील में फेंक दी। देख झूठ मत बोल, उस झील को गोताखोरों ने बहुत अच्छी तरीके से चेक कर लिया है, वहां लाश नहीं मिली, समझे? यही तो मैं कब से आप लोगों से कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता श्रेया कहाँ है। ये ऐसे नहीं बताएगा सर। सीआईडी के साथ खेल खेलने में बहुत मजा आ रहा है ना तुझे, इसके साथ 5 मिनट अकेले छोड़ दीजिए सर, सब बताएगा ये। 1 मिनट ये जख्म कैसा है? ये श्रेया, आपके ऑफिसर, उसी ने किया। श्रेया ने किया है, अभी पता चल जाएगा। इधर आओ। चुप। नाखून है क्या ये? श्रेया का नाखून है? श्रेया का नाखून हो ही नहीं सकता, ये तो उसी मुजरिम का है जिसके इशारों पर ये नाच रहा है। ये आपने क्या किया? ये लड़की सीआईडी वाली है। क्या करता, पहले पहचान नहीं आई? पिछली बार भी आपने यही किया था जब हम जूही के घर में गए थे उस लॉकेट को ढूंढने जो हमने उसे दिया था। शुक्र मानो कि वो लॉकेट सीआईडी वालों के हाथ नहीं लगा, वरना हम लोग जेल में होते। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, इसके पहले ही इसे खत्म कर दूंगा और सीआईडी समझेगी कि खून रणदीप ने किया है। ये लड़की होश में आ गई। इससे पहले ही मैं इसका काम तमाम किए देता हूं। रुक जा! अरे खून करने निकले थे हा? अच्छा, और आप हिसाब दे रही थी उनका। तुम दोनों को तो जेल की यात्रा करवाते हैं। श्रेया, अगर आप लोग वक्त पर नहीं आते तो ये लोग मुझे मार डालते सर। भागने की कोशिश मत करना, वरना आपकी उम्र का लिहाज करना भूल जाऊंगा मैं। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, पूजा पाठ करने की उम्र में, भगवान का नाम लेने की उम्र में तुम दोनों खून कर रहे थे। जवान लड़कियों के खून। बचपन से मुझे औरतों से सख्त नफरत है, खासकर उन औरतों से जो अपना घर द्वार छोड़कर बाहर काम करने जाती हैं, मर्दों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की चाह में अपनी गृहस्थी छोड़ देती हैं। क्या बकवास कर रहे हो? जितना हक लड़कों को बाहर काम करने का है उतना ही हक लड़कियों को भी है। अगर लड़कियां समाज में कुछ कर दिखाना चाहती हैं, अपनी पहचान और अपना अस्तित्व बनाना चाहती हैं, तो क्या गलत है? पहचान, अस्तित्व, एक माँ अपने 3 साल के दूध मुहे बच्चे को उसके शराबी बाप के पास छोड़कर अस्तित्व बनाने निकलती है, क्या ये सही है? अगर अस्तित्व बनाने का इतना ही शौक था तो शादी क्यों की? क्यों की शादी? और अगर शादी की तो बच्चे को दुनिया में लेकर क्यों आए? एक शराबी बाप के लाज जूते खाने के लिए? किसकी, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपनी। वो बच्चा मैं ही हूँ। हाँ सर, बचपन में जब इनकी माँ उनको छोड़कर चली गई थी तब से इनके दिल में औरतों के प्रति नफरत के बीज पनप रहे थे, और ये बड़े बड़े शहरों में ऐसी लड़कियों की हत्या करते थे जो महत्वाकांक्षी हो, समाज में जिसका कोई नाम हो और अच्छी नौकरी करती हो। और आप इनका साथ दे रही थी तो मैं क्या करती सर? मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं ये मुझे भी ना मार दे। अगर आपको महिलाओं से इतनी ही नफरत है तो इनसे शादी क्यों की आपने? क्योंकि ये जानकी एक अकेली स्त्री है जो मेरी भावनाओं को समझती, जिसने मेरे बचपन के दर्द को समझा, जाना और मेरा साथ दिया। तुम रणदीप, तुमने क्यों साथ दिया इनका? तुम्हारी कौन सी वजह है? पैसे के लिए सर, पैसे के लिए। मेरी माँ को कैंसर की बीमारी और उनके इलाज के लिए मुझे लाखों रुपए की जरूरत,
इन्होंने मुझे अपने ब्लैक माउंटेन होटल में मैनेजर की नौकरी दी और ये कहा वहाँ जो कुछ भी होगा उसके बारे में कभी सवाल मत करना। मैंने माना और वहाँ की कोई भी बात अगर पुलिस या सीआईडी तक पहुँचती है तो सारे इल्जाम मुझे अपने सर लेने होंगे। मैंने इनकी ये बात भी मानी साहब। और हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर इन लोगों ने हमें भी पापी बना दिया। तो वो होटल तुमने इसलिए खरीदा ताकि शहर शहर भटकना ना पड़े और उस सुनसान इलाके में तुम अपने गुनाहों को अंजाम दे सको। हाँ, अनजान लड़कियां तो दूर, तुमने तो अपने रिश्तेदार जूही को भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे दिमाग का इलाज होगा, तुम सबको सबको कड़ी से कड़ी सजा होगी, कड़ी से कड़ी सजा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।